हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है? ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए जनाब, कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों? सबसे पहले कौन देखते हैं, हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, कोई सीक्रेट एडमायरर है। हाई प्रीस्टेस, कौन आपको मिस कर रहा है। जजमेंट, ऑलराइट, एंड देन द जस्टिस, अरे स्ट्रेट अवे थ्री मेजर आर्कानस, कोई पुराना पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। इसके साथ आपका बहुत टेम्पररी एक छोटा सा फेज गुजरा है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव गुजरा है। इसने कभी आपके सामने कन्फेस नहीं किया कि ये या तो आपसे इंस्पायर है या आपको एडमायर करता है। पेज ऑफ वॉन्ड से इसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को प्रोलोंग करे, स्टार्ट करे, ब्रांड न्यू बिगनिंग करे, या बहुत टेम्पररी सही, लेकिन जितने अरसे तक आप लोगों के दरमियान रिलेशनशिप रहा, शॉर्ट टर्म रहा, लेकिन बहुत अफेक्टेड रहा। और उस अफेक्टिवनेस की बात ये रही कि इसने ये देखा कि आपको आपका खुलना बड़ा मुश्किल है, आप इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, तो ये भी बिल्कुल आप ही की तरह सिमिलर बिहेव करते थे। अव्वल तो ये इतने ज़्यादा रिजर्व पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है वो ये कि इसने अपने अपनी बातों को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लवर ही हो, ये कोई एक्स पार्टनर ही हो, ये जो भी है, इसको आपका टेम्पररी फेज में साथ बहुत अच्छा लगा। विद द जजमेंट कार्ड इट लुक्स लाइक कि जैसे इनको ये फील होता था कि दे हैव मेड अ राइट डिसीजन टू बी विद यू, ऐसा कि जैसे गलती नहीं करी। अगर आपसे दोस्ती भी हुई, आपको जाना या आपको पहचाना, तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा एडिशन है लाइफ में। क्यों याद की जा रही है वो मैं बाद में बात बताऊंगी, लेकिन विद द जस्टिस कार्ड इट लुक्स लाइक कि कुछ ना कुछ बचता है, कुछ ना कुछ पूरा होना बाकी है। ये लिब्रा हो सकते हैं स्ट्रांगली, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड विद द जस्टिस कार्ड दे फील लाइक कि इनको, यानी जो आपको याद कर रहा है, फेयर डीलिंग बाकी है अभी, यानी रीज़न पहले ही आ गई है। क्यों याद कर रहे हैं वो मैंने सोचा था मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इनका ताल्लुक हो सकता है, ये लॉयर हों, लॉ से कोई ताल्लुक हो सकता है, या मॉडरेटर हों, इनको मीडियोकर की तरह काम करना पड़ता हो, मॉडरेटर की तरह काम करना पड़ता हो, दो लोगों के दरमियान हमेशा सुलह करानी पड़ती हो। कंपैरेटिवली ये जो पर्सन है, इनका काम वैसे भी ये है कि ये न्यू लाइव्स देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कंसल्टेंसी का काम हो सकता है कि लोगों को ड्रीम्स उनकी पूरी करवाना, लोगों को विजिट करवाना, टूर्स करवाना, ट्रैवलर हो सकते हैं, टूर प्लानर हो सकते हैं। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड हिडन है इनकी बातें, ये जो भी है हिडन है, खामोश है, चुप है, एक्सप्रेस नहीं करते, और अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपको बता नहीं रहे, लेकिन जो मिस कर रहे हैं आपको वो इसलिए कि ये स्टिल विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दे फील लाइक स्टिल देर इज़ एन ऑप्शन, स्टिल देर इज़ अ चांस। ये अभी भी चाहें तो ये आपके साथ बात कर सकते हैं, आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन याद आपकी डेफिनेटली बहुत सारी रीजंस की वजह से आ रही है। आपकी रिजर्व पर्सनैलिटी ने इनको रिजर्व बनना सिखाया, वरना शायद बड़े मुँहफट हों। जजमेंट कार्ड के थ्रू दे रियलाइज कि लाइफ बैलेंस कैसे ली जाती है, कैसे बैलेंस रखा जाता है, राइट टाइम पर डिसीजन और अपॉर्चुनिटी कैसे अवेल की जाती है, एंड विद द जस्टिस कार्ड दे फील लाइक फेयर डीलिंग कैसे की जाती है, इंसाफ कैसे किया जाता है। राइट, कौन आपको मिस कर रहा है,
एज डिफरेंस है, यंग है, इंस्पायर है, या आप यंग हैं, आपने बड़ी अर्ली एज में तमाम चीज़ें ये अचीव की हैं, इनसे एज में छोटे हैं लेकिन मेच्योर हैं आप, एंड लॉट्स ऑफ मोर। चलिए, हु इज़ मिसिंग यू मोर मैसेजेस, एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। हु इज मिसिंग यू, सारे साइंस मैंने आपको बता दिए, आप इनसे एज में छोटे हैं जेन्युइनली। ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग रिश्ता रहा है, आपकी फैमिली का कोई रिलेटिव भी हो सकता है ये, जिसने आपकी ग्रोथ को विटनेस किया है, बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं ये आपसे, लेकिन इनको उतने ही जल्दी आप पर गुस्सा भी आता रहता है, क्योंकि आप बात नहीं सुनते हैं, ज़िद में रहते हैं, आप अपनी ठानते हैं, अपनी करते हैं। ये आपको कम उम्र समझ के बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं कि वक्त पर अपनी एज पर, जब मेरी एज पर आएंगे ना तो इनको पता चल जाएगा। अभी अगर इनको मेरी तरफ रेजिस्टेंस नज़र आती है तो पता चल जाएगा, आपकी रिजर्व नेचर को देखते देखते इनको खुद भी इनको पता चला कि रिज़र्व कैसे होना चाहिए, तो इन्होंने रिज़र्व होने के बजाय एक्शन ना लेने का रूप जो है वो धार लिया। ये इतना आपसे मोहब्बत करते हैं, मतलब कौन आपको मिस कर रहा है, ये इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि ये आपको सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं। ये आपको ये मोहब्बत इस फॉर्म में, किसी गिफ्ट की फॉर्म में, किसी टेंजिबल फॉर्म में ये आपको देना चाहते हैं, बट परेशान हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। इन तमाम प्रॉब्लम्स में हमेशा ये ऑफ़र कहीं खो जाती है, टाइम होता है, ऑप्शन होता है, हालात होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, रास्ता ही बदल लेते हैं ये फ़ौरन। और अभी कौन आपको मिस कर रहा है, उसके तमाम ट्रेड्स हैं कि इट्स फाइन फॉर देम कि इनको आपसे बहुत मोहब्बत है, इट्स फाइन फॉर देम इनके माइंड में कि आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके टेम्परमेंट से, आपके गुस्से से भी डरते हैं, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन ये अपनी साइड पर अगर तमाम चीज़ें सोच रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन विद देम, कम्प्लीटली फाइन विद देम, दे डोंट हैव एनी सिंगल इशू। द फैक्ट एंड द पॉइंट इज के प्रायोरिटी जो है वो परेशानियाँ और मजबूरियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको लगता है कि मिस कर लेना ज़्यादा अच्छा है, बिला वजह में इजहार करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज विद द किंग ऑफ कप्स इट्स वेरी क्लियर कि ये सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो हु इज़ मिसिंग यू, मैंने आपको तमाम पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दिए, एज का डिफरेंस बता दिया, क्या इनकी नियतें हैं वो बता दी, कैसा रहा है आपका रिश्ता ये भी बता दिया, करंट एनर्जी भी मैंने रिफ्लेक्ट कर दी। अब देखते हैं कि व्हाई आर दे मिसिंग यू, व्हाई आर दे मिसिंग यू, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं जो भी हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाराज़ हैं ये आपसे, पेरेंट भी हो सकते हैं आपके, फादर हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, आपकी अलहदगी हुई भी है, आप लोग बातचीत नहीं करते अगर सिबलिंग्स हैं, या फिर ये आपके एक्स हो सकते हैं। टावर मोमेंट, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, ओ गॉड, वेरी हैवी एनर्जी, द हायरोफेंट, ऑलराइट, आपने इनकी गलती माफ़ नहीं की, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और कार्मिक पैटर्न है लाइफ का, इस वक्त ये कार्मा फेस कर रहे हैं अपना। और क्यों इनको आपकी याद आ रही है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने, जब आपने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, आपने खफगी ज़ाहिर की, आपने ब्रेकअप सिचुएशन को जब ऑब्वियस किया, जब आप दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर शो किया, बहुत ज़्यादा, यानी ये जेन्युइन रिश्ते से होते होते इतने कोल्ड और इतने साइलेंट हो गए, बिल्कुल नो एक्शन, बर्फ़ का डेला, इतने ठंड प्रोग्राम, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। यानी आप एक तो अपनी तकलीफ़ बता भी रहे थे इस टावर मोमेंट के वक्त में,
इस लड़ाई के वक्त पे, इस ब्रेकअप के वक्त में आप अपनी तकलीफ बता भी रहे थे, आप कह भी रहे थे कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई है, आपको कितना दर्द हुआ। इन्होंने आपसे कोई सच भी छुपाया? या तो ये मैरिड है, आप दोनों में एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, और इनको ये लगा कि वक्त आने पर जब ये इस मेरी एज पर पहुँचेगा या पहुँचेगी तो इसको समझ में आ जाएगा कि मैं अपनी जगह पर गलत नहीं हूँ। बट एट द मोमेंट इनको क्यों याद आ रही है, ये जिस तरीके से अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, इनको आपके बिहेवियर से लग रहा है कि आप शुरू से लेकर अब तक काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे, और ये डिस्टेंस अब ख़त्म नहीं कर पा रहे। शायद ये कहीं किसी दूसरे सिटी टाउन में रहते हैं, हो सकता है किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हों, हर वक्त ट्रैवलिंग करते रहते हों, और अब ट्रैवल करके किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से वापस ना आ सके, लेकिन याद बहुत शिद्दत से आ रही है। इनका कोल्ड बिहेवियर इस लड़ाई की बहुत बड़ी वजह है। शायद ये हर जगह अपने कलर्स दिखाते हों, अपनी एग्जिस्टेंस शो करते हों, लेकिन जब आपका मैटर आता था तो ये कोई एक्शन नहीं लेते थे विद द किंग ऑफ कप्स, और इनका बिहेवियर विद द किंग, हो सकता है आप दोनों के दरमियान पेरेंट के किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो कि हम दोनों खुश नहीं हैं तुम दोनों के एक होने से, उस बात पे लड़ाई हुई हो, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। लेकिन ये चीज़ मुझे फाइव ऑफ कप से बहुत क्लियर है कि आपने अपनी तकलीफ़ का बरमला इज़हार किया था, आपने बताया था कि आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, आपको कितना दुख पहुँच रहा है इनके बिहेवियर से, इनके खामोश रहने से, या इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो अच्छी नहीं है, जो मुनासिब नहीं है, और फिर उसको मानना भी नहीं, ढिटाई दिखाना। और फिर वक्त के साथ जिस तरीके से आप वाइब्रेंट होकर बाहर आए, आपको इनकी हकीकत जो पता चली कि ये मैरिड हैं, ये किसी से कमिटमेंट में हैं, वो तकलीफ़ आपने बड़ी मुश्किल से इनके सामने एक्सप्रेस की है, तो इनको याद क्यों आ रही? इनको बार बार आपकी वो बात याद आती है, आपने इनको जो कुछ भी कहा और जिस बेसिस पर आपने इनसे रिश्ता ख़त्म किया, इनको वो बात याद आती है, और वो इनके लिए एक लाइफ का बड़ा, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो ये हैरोफेंट के मूड में आए हैं। यानी इन्होंने फिर रिलीजन को पढ़ा, इन्होंने कार्मिक पैटर्न को पढ़ा, इन्होंने सोल सर्चिंग की, ये डीप एनालिसिस पे चले गए, बहुत ही इंटेलेक्चुअल रीडिंग स्टार्ट की, बहुत इन डेप्थ जाकर तमाम चीज़ें देखी, एंड देन दे हैव एक्चुअली रियलाइज दैट ये कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, ये आपको मिस करना नहीं छोड़ सकते। इवन आजकल आपको शायद ज़्यादा भी फील हो रहा होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों में करेज नहीं होता, याद आ रही है तो आ रही है, दो आंसू बहा लेंगे लेकिन मुँह से नहीं फूटेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मरने के बाद फिर कफन और कब्र पर आकर बोल देंगे कि कहा सुना माफ़, लेकिन उसकी हयाती में कभी भी नहीं कहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि दो दिन और वो ज़िंदगी जी ले, जैसे हमारे एक जानने वाले थे, मुझे नहीं पता था मैं बहुत स्पॉन्टेनियस जोक क्रैक कर देती हूँ, तो मैं उनको जब देखूँ, उनकी वो काफ़ी हाई प्रोटोकॉल पर्सन, और जब मैं उनका फेसबुक देखूँ, वो कहीं ना कहीं फातिहा ही पढ़ रहे होते थे, हर तस्वीर उनकी खिंची हुई होती थी, आज ये मर गया, आज वो मर गया, उसकी जगह फातिहा पे गए हैं, आज फलाने की फातिहा पे गए, आज इनकी फलाने पे। एक दिन मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा कि आप फातिहा से पहले क्यों नहीं पहुँचते? तो इतनी ज़ोर ज़ोर से वो हंसे, तो मैंने कहा अगर आप फातिहा से पहले पहुँच जाएँ तो शायद वो इंसान एक हफ़्ते और ज़्यादा ज़िंदगी जी ले, आपके फातिहा पढ़ने की तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल बेकार है उस मरने वाले के लिए। अगर वो आपके लिए इतना ही अहम था तो आपने फातिहा का क्यों वेट किया? ये वो वाली कैटेगरी है। दिल चाहेगा, ज़मीर बताएगा, याद आएगी, तड़प उठेगी, याद आ भी रही है, साफ पता भी चल रहा है, लेकिन इन्होंने ना अपने आप को बचाने के लिए आपकी कोई एक लड़ाई का ताना ना संभाल के रखा हुआ है कि अगर कहीं भूले भटके आमना सामना टाकरा हो गया, और अगर आपने बोला कि तुम इतनी तौफीक नहीं हुई थी कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, तो ये फ़ौरन लपक के वो बात बोलेंगे, मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगता या मांगती, तुमने मुझे कैसी गंदी बात बोली थी कट्टी। तो उसमें आपका दिल चाहेगा वही वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, या तो फीफा की लात मार दें, या फिर इनको इतनी ज़ोर से चमाट मारेंगे इनकी मुंडी घूमे, फिर रुके तो फिर आप चमाट मार दें, तो कुछ इस तरह की बात। इनको क्यों याद आती है? दे नो कि आप किस पेन से गुजरे। मुझे फाइव ऑफ कप्स का कार्ड इतना भारी लग रहा है यहाँ पर कि मैं आई कैन सेंस दैट पेन जिस पेन से आप गुजरे। यानी इनको जो याद आ रही है ना, इनको खुद आपकी तकलीफ याद आ रही है कि वो कितनी तकलीफ़ में थी, वो कितने तकलीफ़ में था, उसको मैंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, इतना मजबूर कर दिया था कि वो अपनी बिल्कुल कर्ब वाली ज़बान जो है, आवाज़ से दिल की तकलीफ़ उसने बाहर निकाल दी थी अपनी,
और सब कुछ बता दिया था, और काफ़ी धड़ल्ले से इन्होंने अपनी उस रीज़न को सीना फाड़ के इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ तो हाँ है तो है, थी ये गलती तो थी, लेकिन अब याद आ रही है, अब मजबूरी हो रही है, तो फिर भुगतो, तो फिर भुगतो। चलें और मैसेजेस देखते हैं। हु इज मिसिंग यू एंड वाई, हु इज मिसिंग यू एंड वाई, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है भाई, हो सकता है ये मैं आपकी रीडिंग भी, आपकी एनर्जी भी पढ़ रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं ये तो मुझे हो रहा है। लव बिगिंस, यस, अनकंडीशनल लव, एस ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स ही है ये नंबर वन। कौन आपको याद कर रहा है? मटीरियल हार्वेस्ट, विक्ट्री एंड सक्सेस, ट्रुथ। इनको अपनी कामयाबी इस वक्त कामयाबी नहीं लग रही, इनको मालूम है कि कामयाबी भी किस चीज़ को रौंद के ऊपर गए हैं, और वो रौंदना है आपकी मोहब्बत का खुलूस। तो अगर ये इस वक्त लाइफ में सेटल्ड हैं या लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इनको ये पता है कि ये मेरे साथ सब कुछ क्यों हो रहा है। इनको बार बार ये कसक उठती ज़रूर है कि यार मैं एक दफ़ा उससे बात करके, एक दफ़ा उससे बात कर लूँ, लेकिन जो सच्चाई इस वक्त इनके सामने है, ये उसी सच्चाई की वजह से आपका सामना नहीं कर सकते, इसलिए आपको याद कर रहे हैं। जो सच, कड़वा सच आपने बोल दिया, जब कभी भी ये आपको याद करके अगर कोई एक्शन लेना इनके दिमाग में आएगा, तो इनको पता है सबको, इनको कॉन्शियसली, के वो जिक्र तो छिड़ेगा, मेरे पास जवाब क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपकी गीबत की, अब वो कल को सामने आ गई कि पता है तुम्हारे मुतालिक इसने ये कहा था, और कहा तो था, या तो बोलो मैंने नहीं कहा तो बताने वाला झूठा, और अगर कहा तो सुनने वाले को यकीन कर लो कि वो यकीन ही ना करे इस बात पर, ऐसा हो नहीं सकता, अगर कहा है तो ऑन कर लो। तो ये जो सच्चाई आपने रिवील की, जिसकी वजह से इस पर्सन के साथ आपका टावर मोमेंट आया और लड़ाई हो गई, उस सच्चाई को डाइजेस्ट करके दोबारा आपका सामना करना इनके लिए मुश्किल है। ये वो विक्ट्री नहीं ला पा रहे, ये वो सक्सेस नहीं ला पा रहे, और देख रहे हैं आपको कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आप एक फ्री स्पिरिट लाइफ गुजार रहे हैं, आपके पास सब कुछ है ज़िंदगी का, आप कामयाब हैं, सारी चीज़ें हैं, और ये आपके लिए बहुत अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा याद आ रही है। बट जो सच्चाई है वो इन तमाम जेस्चर्स पर भारी है। सेक्रीफाइस, जैसे ही सेक्रीफाइस का कार्ड आया ना, ऐसे बिल्कुल मेरे मुंह में भी लग रहा है जैसे सेक्रीफाइस लग गई, अल्फाज रुक गए मेरे पास। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, समझ से बाहर है। आपने बहुत कुछ दिया है इस इंसान को, जो भी है ये पर्सन जो आपको इतना मिस कर रहा है, आपने बहुत कुछ दिया। आप शायद उन लोगों में से सेल्फलेस लोग हैं जो अपनी, अपने प्लेटर का सब कुछ ही दे देते हैं कि पहले चलो यार देखा जाएगा, हो जाएगा, काम ही तो चलाना है, हमारा काम चल जाएगा, तुम खुश रहो। एंड इवन देन दिस ऑल हैपेंड, दैट्स वेरी वेरी सैड आई मस्ट से। लेट्स सी क्या फीलिंग्स, क्या जेस्चर हैं, क्यों ये आपको याद कर रहे हैं। जो भी है, जिस पर्सन को आप सेंस कर सकते हैं कि अच्छा ये उसकी एनर्जी है, तो लेट्स सी के आपने लाइफ में काफ़ी कुछ बना लिया है अपने लिए, आपका ध्यान भी नहीं जाता। 9 और 6 अगर आप देख रहे हैं, परसेप्शन का भी डिफरेंस है। ये आपको सक्सेसफुल देखते हैं, आप इनको सक्सेसफुल देखते हैं, आपको लगता है ये अपनी विक्ट्री में मगन है, इनको लगता है आप अपनी विक्ट्री में मगन है। 9 और 6 परसेप्शन का डिफरेंस भी बहुत है। इनको आपका परसेप्शन अब समझ में आ रहा है, आपको इनका परसेप्शन, आपका तो खैर ध्यान ही नहीं जा रहा था, लेकिन जब कोई हमें मिस कर रहा होता है ना, तो आपको कैफियत आपकी अजीब सी हो जाती है। मेक द एफर्ट, सी ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। बड़ा ज़र्फ चाहिए जनाब, ये ज़र्फ ही तो होने की बड़ी बात है, और एफर्ट कर लें तो फिर तो क्या ही वारे नारे। एफर्ट करें ना, कीप एन ओपन माइंड। ये ना चौड़े में आना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि भाई हुई थी गलती तो हुई थी, हम 3 लोग थे, हमने इतना हल्ला गुल्ला किया, मेरे, हम दोनों के दरमियान जो दोस्त था वो इस बात का गवाह है
कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मतलब समथिंग लाइक दैट. इनको अपनी गलती के बावजूद भी इनको ये ख्याल है कि हुई थी गलती तो हुई थी, चलो फिर भी तो क्या हुआ. फाइनेंसेस एंड करियर शायद आजकल बिल्कुल ही आपसे कट ऑफ किया हुआ है, या आपने इनसे कट ऑफ किया हुआ है, बिकॉज आपको सिर्फ फोकस अपने फाइनेंसेस हैं. आप सिर्फ अपने आप को मटीरियलिस्टिकली स्टेबल करना चाह रहे हैं, इसलिए आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे. तो जब ध्यान नहीं जा रहा तो फिर इनको आपकी याद भी उतनी ज़्यादा आ रही है. आपको ये लग रहा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके फैमिली को, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करूँ और फिर मैं इनको अप्रोच करूँ, तो पता नहीं ये उस वक्त तक हो या ना हो. एंड सेम सिमिलर लाइक वाइस वर्सा, बिल्कुल वाइस वर्सा भी हो सकता है. पैशन, फीलिंग इंटीमेटेड, न्यू लव. दे जस्ट समटाइम्स फील कि अगर मुझे याद आ रही है तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे पीछे कुछ था ही नहीं, बिल्कुल नया. मैं बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ करूँ और मैं ये बिलीव दूँ कि इट्स सेफ फॉर यू टू लव. मुझ पर यकीन करो, अब वैसे मामलात नहीं होंगे. ठीक है जनाब, तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, दिस इज़ हुएवर द पर्सन, मैंने बता दिया. और इसकी फीलिंग्स भी बता दी, रीजंस भी बता दी, तमाम चीज़ें. देखिए आपके कौन है ये, और बस इसी हद तक खुश हो जाइए कि इसको आपकी याद आ रही है. ठीक है, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय.